अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ फ़ोनों के बारे में जो है डिस्कस करूँगा जो कि मैंने अपने लिए सोचे हैं। तो सोचा जो है वो मैंने ये है कि जिस फ़ोन से इस वक्त वीडियो बन रही है वो है रेडमी नोट 9, और वो जो है वो एसन को दे दिया जाएगा और मैं जो हूँ वो अपने लिए नया फ़ोन ख़रीदूँगा। तो फिर अभी जो हम कुछ जो है बहुत अच्छे काफ़ी फ़ोन हैं, 35 से 50 हज़ार की रेंज है मेरी, और वो जो है मैं अभी उन फ़ोनों के बारे में आप लोगों को जो है कुछ बताऊंगा। तो फिर आप लोग जो है मुझे सजेस्ट करके बताएं कि इनमें से जो है मुझे कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो फिर अभी हम आते हैं अपने फ़ोनों की तरफ। ये है हमारा पहला फ़ोन। तो फिर अभी जो है मैं बात करने जा रहा हूँ पोको M4 Pro की। इसकी जो मुझे सबसे अच्छी ज़्यादा चीज़ लगी वो है इसका कैमरा, जो कि इसका मेन कैमरा जो है वो है 64 मेगापिक्सल का, यानी जिससे मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो है 48 मेगापिक्सल का। तो इस वजह से जो है मुझे इसकी ये बात काफ़ी जो है अच्छी लगी। और बाकी चीज़ हम देख लेते हैं, 6.43 इंच का जो है इसका डिस्प्ले है, 5000 mAh की जो है बैटरी है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और 33 वाट का चार्जर मिलेगा आपको इसके साथ। और इसका जो फ्रंट कैमरा है जिसको हम सेल्फ़ी कैमरा भी कहते हैं वो है इसका 16 मेगापिक्सल का। और सबसे ज़्यादा इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें जो है साइड फिंगरप्रिंट है, और जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसका जो है वो है बैक का फिंगरप्रिंट। और हर फ़ोन की तरह फिर हमें जो है वो फेस अनलॉक जो है वो देखने को मिल जाता है, और वही 4G है ये हर फ़ोन की तरह। बाकी चीज़ें तकरीबन जो है वो सेम है। ये बेसिकली जो है वो 3 कलर में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका येलो कलर जो है वो अभी तक जो है कंफर्म नहीं हुआ है। और ये मैंने मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पता किया है कि अभी तक जो है ये फ़ोन किसी के पास भी नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी की तरफ से जो आना बंद हो चुका है, या तो फिर ये जो है अभी तक आया ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो इसका जो है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है पोको M4 Pro के बारे में तो फिर आप लोग जो है मुझे ज़रूर बताएं। और ये है 48 हज़ार का पाकिस्तानी प्राइस में। तो ये जो फ़ोन है ना रेडमी नोट 11, ये मैंने थोड़ा पहले लेने का सोचा था, क्योंकि जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ रेडमी नोट 9 उससे जो है ये काफ़ी हद तक जो है ये सेम है, क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो है 50 मेगापिक्सल का, और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है 48 मेगापिक्सल का। और फिर इसका जो है फ्रंट कैमरा जो है वो है 13 मेगापिक्सल का, और वही सेम चार्जर है इसके साथ भी, 33 वाट का जो है चार्जर है बिल्कुल सेम। और ये इस वक्त जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर हमें जो है 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, एक है 6 GB 128 GB और एक है 4 GB 128 GB। तो हमारे पास जो है 4 GB 128 GB वाला जो मोबाइल है वो है 38,500 रुपये का, और 6 GB 128 GB वाला जो है वो है 42,500 रुपये का। तो इस वजह से जो है ये फ़ोन मैंने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये मेरे फ़ोन से जो है काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन मैं ये भी ले सकता हूँ क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है और मोबाइल की कीमतें जो है वो अभी गिरने भी वाली हैं। तो इस वजह से जो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे मोबाइल लेने में। तो फिर अभी हम देखते हैं हमारा तीसरा मोबाइल जो है कौन सा है, और वो काफ़ी अच्छा जो है फ़ोन है। तो दूसरा फ़ोन के बारे में जो हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम करेंगे तीसरे फ़ोन के बारे में, और वो काफ़ी जो है वो अच्छा फ़ोन है। मैं कहता हूँ कि 50,000 के अंदर मैंने ऐसा फ़ोन नहीं देखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है, और 49,500 या ऐसे ही कुछ जो है वो पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है।
कुछ दिनों बाद जो हम पता करेंगे, तो फिर अभी देखते हैं कि वो फ़ोन जो है कौन सा है। तो ये जो फ़ोन है ये कोई बड़ा ही जो है बेहतरीन किस्म का फ़ोन है, जो रियलमी ने जो इसको 50,000 के अंदर लॉन्च किया है। अगर यही शाओमी वाले लॉन्च करते तो वो करते कोई 60 या 65 हज़ार में, क्योंकि रियलमी वालों ने बड़ा कोई अच्छा फ़ोन लॉन्च कर दिया हमारे लिए, रियलमी 7 प्रो। तो अब जो हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जो बात करेंगे, ये बहुत अच्छी जो है इसने पाकिस्तान के अंदर ही इसने गेम खेली है। भले ये कुछ महीनों पुराना फ़ोन है, 6 महीने इसको हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए, लेकिन इसने जो है अभी भी ये पाकिस्तान के अंदर खेल रहा है। अभी आपको जो है मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, काफ़ी अच्छा जो है बेहतरीन फ़ोन है ये। तो सबसे ज़्यादा जो है इसकी मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इसके अंदर जो है 8 GB रैम लगी हुई है, जो कि इस प्राइस टैग में कोई भी फ़ोन नहीं लगा कर दे रहा। और बाकी जो है सब कुछ इसका बिल्कुल नॉर्मल ही है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा, और इसका जो सेल्फ़ी कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल का। सबसे अच्छी बात ये है, और 4500 mAh की बैटरी है। बैटरी जो है इसकी थोड़ी कम है, अगर बैटरी भी जो है इसकी 5000 रखते तो फिर वो ज़्यादा बेहतर था। और बाकी जो है बिल्कुल सही है, 182 जो है इसका ग्राम फ़ोन का जो है वज़न है, 6.40 इंचिस का जो है ये फ़ोन है। इसमें जो है सिर्फ एक ही वेरिएंट लॉन्च किया गया है, वो है 8 GB 128 GB, दो कलर में है। तो फिर आपसे जो है मैंने ये 3 फ़ोन डिस्कस करने थे जो कि मुझे अपने लिए पसंद आए थे इन 2 दिनों में। तो फिर अभी हम आपसे जो है थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो ये जो थी मेरी आपके साथ मोबाइल के ऊपर जो डिस्कस थी, जो कि मेरे को लेने हैं, लेकिन मैंने अभी सुना है कि कुछ दिनों के अंदर जो है मोबाइल के रेट जो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, यानी कुछ गिर जाएंगे 2-3 हज़ार। तो हम फिलहाल जो है अभी वेट करेंगे। अभी जो है मैं जा रहा हूँ दुकान पे, तो फिर अभी हम आपसे दुकान पर मिलते हैं। तो अभी जो है मैं दुकान पर आ चुका हूँ, लाइट जो है वो चली गई है, बिल्कुल ही जो अंधेरा हो गया है, हर तरह बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइट चली गई है ना। तो किसी ने 1 बल्ब जलाया हुआ है, किसी ने 2 बल्ब जलाए हुए हैं। तो फिर अभी जो है मैं जा रहा हूँ घर पे, फिर हम आपसे घर पे मिलते हैं। तो दुकान से जो है वो मैं आ चुका हूँ, और अभी जो है हम पहले खाना खाते हैं और फिर हम करते हैं व्लॉग को एंड। तो हमारा खाना जो आ चुका है, और हमारे खाए हुए हैं सालन और रोटी। तो फिर अभी जल्दी से जो है हम अपना खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। मैंने जो है वो खाना वगैरह खा लिया है, और अभी हम करते हैं व्लॉग को एंड। तो था लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग जो है बहुत ज़्यादा स्लो स्लो जो है वो सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ा रहे हो, थोड़ा थोड़े दिन बाद एक, फिर थोड़े दिन बाद एक है। तो इस वजह से जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करके जो हमारे सब्सक्राइबर 1000 तक पहुँचवाओ। अल्लाह हाफिज़।